आज हमारे पास ये मोबाइल है रेडमी को, इसमें FRP लॉक लगा है, ये देख सकते हैं आप। स्टार्ट करेंगे पहले, वाईफाई कनेक्ट सिम लगी हुई, तो यूज मोबाइल नेटवर्क फॉर सेटअप। सेटअप एज न्यू, ये देख सकते हैं ये पैटर्न मांग रहा है। यहाँ पे यूज माई गूगल अकाउंट भी है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देख लीजिए, इसके ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसमें FRP लॉक है। FRP बाईपास करने के लिए वापस से स्टार्टिंग स्क्रीन पे आना है, लेफ्ट कॉर्नर में एमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। एमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है तो ऊपर एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर डबल क्लिक करना है, ये आ गया। इसके बाद है ना राइट साइड में जो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट के बाद आप सिम में जो नंबर होंगे उसमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद उस नंबर पर क्लिक करना है फिर से। इस प्रकार का ओपन होगा। इस ओपन होने के बाद राइट कोने में 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर करने के बाद ये देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, अपन को मैसेज वाले पर काम है। आपके मोबाइल में 3 या फिर 5 भी ऑप्शन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपन मैसेज पर ना लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये देख से जब तक ये पॉपअप नहीं आ जाए, पिन और ऐप इन्फो पर। ये तो पॉपअप आने के बाद अपन ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐप इन्फो पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आप सेटिंग ओपन हो चुकी है। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे जो SMS ऐप लिखा है उसके ऊपर यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये हुआ है, इसमें सबसे नीचे ओपनिंग लिंक्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखते हैं पूरे ऐप्स आ चुके हैं, तो अपन ने जाना है यूट्यूब गो पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब गो के आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन लिखा है, देख सकते हैं आप, ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद है ना सबसे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आके एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं आप ऐसा ओपन हो गया। इसके बाद सबसे नीचे आना है और अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद ये यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मिनी ब्राउजर और क्रोम, तो क्रोम पर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद एक्सपेक्ट एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट, नो थैंक्स। ये देख सकते हैं क्रोम ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर सर्च बार में यहाँ सर्च करना है ऐड रोम, ऐड रोम बायपास। सर्च करने के बाद पहले लिंक पर क्लिक करना, तो अपन को ये लिखा है एंड्रॉयड 8910JM APK। तो ये एंड्रॉयड 8910JM APK को डाउनलोड कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करके। परमिशन अलाउ कर देनी है डाउनलोड। ये देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस सेटिंग में जाके इसको ऑन कर देंगे, फिर बैक करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। ये देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, इसको डन करेंगे। अब ये दूसरा ऐप डाउनलोड करेंगे FRP बाईपास APK, इसके ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड हो गया, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है। जैसे ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर राइट साइड कहीं पर, मतलब कहीं पे भी 3 लाइन नहीं आ रही, तो इसकी वाले अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसमें मोबाइल की स्क्रीन पे ये बटन दिए है लेफ्ट कोने में, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। तो देख सकते हैं ये नया, इस पर लॉन्ग प्रेस करके नया ऑप्शन आ गया ब्राउजर साइन इन, ये देख सकते हैं आप इस ब्राउजर साइन इन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके,
अब यहाँ पे आप कोई भी गूगल अकाउंट डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं अपना गूगल अकाउंट डाल देता हूँ। देख सकते हैं मेन अकाउंट में ना वेरीफाई मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्ट स्क्रीन पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे अपन कोई भी एक वाईफाई कनेक्ट करेंगे। वाईफाई कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। ये देख सकते हैं क्लोज होने के बाद वापस बैक बैक करते जाना, फिर से स्टार्ट स्क्रीन पे आ जाना। ये देख सकते हैं स्टार्ट स्क्रीन पे आ गई। अब यहाँ पे फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। देख सकते हैं फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। सेटअप एज न्यू देख सकते हैं यहाँ पे एडेड अकाउंट हो चुका है, जो अपन ने वहाँ पे डाला था सैम शर्मा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नॉट नाउ स्केप एनी वे नो थैंक्स मोर मोर रेस्पेक्ट नेक्स्ट नो थैंक्स इसको स्केप कर देना। देख सकते हैं FRP बाईपास हो चुकी है। मॉडल चेक करा देते हैं आपको, जो आपने ऐप इंस्टॉल किया था FRP बाईपास उसको अनइंस्टॉल कर देना। तो इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, अनइंस्टॉल हो चुका है। देखो FRP बाईपास हो चुकी है कंप्लीट। मॉडल चेक कर लेते हैं सेटिंग में जाके, अबाउट फोन देख सकते हैं मॉडल है इसका रेडमी को FRP बाईपास कंप्लीट।